हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण तथा क्षेत्रों का संतुलित विकास प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को भयमुक्त तथा पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 3.5 वर्ष में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की हैं, ताकि सभी वर्गों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब, पिछड़े, वंचित तथा कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को निश्चित समय में धरातल पर उतारने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि लक्षित वर्ग तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के बारे में समय समय पर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि सही मायनों में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। प्रदेश में राज कर रहा जयराम ठाकुर जी, उनका गठे 98 में मिले बने थे और बहुत घनिष्ठ मित्र है मेरे, बहुत अच्छा संबंध है मेरा उनके साथ। हमने जब भी जो उनसे मांगा हमें उन्होंने दिया, इसलिए मैं आपसे आपको इस बात का आश्वस्त कराना चाहूंगा और एक बात और इसलिए स्वस्थ करना चाहूंगा कि आपका जो ये बाई इलेक्शन आ रहा है, इस बाई इलेक्शन में भाजपा को क्यों वोट डालना है? भाई सुशील जी बोल रहे थे कि हमारी मदद करो, इसलिए मदद करनी चाहिए कि हमारी सरकार, आपकी सरकार शिमला में है, आपकी सरकार मोदी जी की दिल्ली में, और अपना वोट हम खराब ना करें, मिंता के विकास के लिए वोट डालें, अपने पंचायत के डेवलपमेंट के लिए वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले। उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तो तय करेगा हमारा पार्टी का आला कमान, पर जो भी होगा वो कमल के फूल के साथ हो। उज्जवल हिमाचल के लिए फतेहपुर से दिनेश चौधरी। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।